नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका सब सभी का स्वागत है। एसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के गणित शिक्षण के अंतर्गत में हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने इससे पूर्व बढ़ते क्रम में और घटते क्रम के सवाल उदाहरण देखे थे। इसके बाद में हमने हल करने वाले सवाल भी देखे, किस प्रकार मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल कर उनको हल किया जाता है, किस प्रकार एलसीएम ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार उसका जोड़ा जाता है, ठीक है ना। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए योगफल के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। जैसे कि कोई एक सवाल है, 6 / 2 / 3 - 1/3 दे रखा है, इसको सरल करना है। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 18 / 2 = 20/3 हो गया है। -1/3 = हर दोनों का सेम है इसलिए हमारा एलसीएम 3 ही होगा। 20 - 1 = 19/3 = 6 / 3 = 18, 6 / 1/3 आंसर होगा। इसी प्रकार चार + 4 = 3/4 + 1 / 2/3। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं देती, तो इसको 1 मानेंगे, तो इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 16 / 3 = 19/4 + 5/3। 4 / 3 का एलसीएम दिया 12 है। तो यहाँ लिख देंगे 1, 4 / 3 का एलसीएम = 12। 1 से इसको डिवाइड किया 12, 12 को 4 से इंटू किया, चार से इसको डिवाइड किया 3 × 3 = 19 से इंटू किया 50, कितना आएगा 57 आएगा। और फिर 3 से इसको डिवाइड किया, 4 बार गया, 4 × 5 से इंटू किया 20, 7 × 4 = 11, 3, 5, 8, 8 + 16 = 161/12 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, 1 बार गया, ठीक है ना, फिर जो भी सेंस रहा था 4 सेंस रहा, 3 बार गया, ठीक है ना, अब जो भी आता है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप मिश्र भिन्न में बदल देंगे, ये भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको मिश्र भिन्न में बदल के भी आंसर लिख सकते हैं। फिर आता है एक भाग वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि 4/5 / 8/5, 4/5। अब जब इस प्रकार का सवाल आ जाता है, भाजक आ जाता है, भाजक की जगह इंटू करना है, आपको क्या करना है, इंटू करना है, और इधर वाली संख्या है उसको उल्टा कर देना है, अंश को हर बनाना है। अंश था हमारा 8, उसको हर बना देना है और हर को अंश बना देना है, ठीक है। फिर टॉस में इनको काटना है, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 4, 4 × 4 = 8, 1 × 1 = 2 / 1/2। ये आपका आंसर हो गया है। आगे आपके समझ में, फिर इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि जैसे 7/2 को प्राप्त करने के लिए, एक मैं सवाल लिख देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं।
साल से ही 2/5 को प्राप्त करने के लिए 5 से ही 1/2 में क्या जोड़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 से ही 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि वह 5 से ही 1/2 हो जाए। तो यानी इसको माइनस करना है, इनटू 3500 को 37/5 माइनस 11/2 एलसीएम 10, इससे डिवाइड किया 2 बार, 37 को 2 से इंटू किया कितना आ गया 7 14 74 माइनस 55। अब इसको माइनस कर दो, 74 में से 55 माइनस हुए 14 में से 5 गए 9, 6 में से 5 गए 1, 19/10 आ गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया है, 1 से ही 9/10 या 1.9, ये आंसर आ गया। अब इस प्रकार का आंसर आ गया है, ये 1.9 हो गया है। तो इस प्रकार हमें ये भी पूछा जा सकता है, निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलिए, दशमलव को भिन्न में बदलिए। यह हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।